हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ट में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा एक ऐसा कंपनी जो कि आप लोग सभी जानते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कि रिक्रूटमेंट होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कि लोग लेते हैं, यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो कि एम्प्लॉय हायर करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से इसका फॉर्म फिलअप करना होगा और क्या का पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। तो दोस्तों, कंपनी के नेम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका यहाँ पे बहुत सारे जो कि स्टोर है ऑल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज में आना होगा। इस पेज में आने के लिए मैं इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके इस पोस्ट में इस पेज में आ सकते हैं। इस पेज में आने के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो कि इस पेज में ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको कुछ कैरियर के यहाँ पे लिखा हुआ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर पॉलिसी पोजीशन वैकेंट हाउ टू अप्लाई एंड अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों, यहाँ पे पोजीशन वैकेंट जो है आपको अगर यहाँ पे क्लिक करना चाहते या यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो जो पोस्ट निकला हुआ है आप पोस्ट वाइज यहाँ पर अप्लाई कर सकते। अगर नहीं चाहते कि आप अप्लाई करना चाहते, आपका सिर्फ आपका रिज्यूम और उसका आपका रिज्यूम के हिसाब से कोई भी अगर पोस्ट निकला होता है, उसके बाद अगर आप कंपनी आपके लिए कॉल करता है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अप्लाई ऑनलाइन जो है आप यहाँ पे क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी यहाँ पर कुछ भी पोजिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या पोजिशन जो कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना, कौन सा पोजिशन के लिए आप कम्फर्टेबल हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ पे एक फॉर्म चला है, जिस फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद कुछ ही दिन में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो मैं अभी आप लोग को बताऊँगा किस तरह से आपको ये फॉर्म जो है अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते अप्लाइंग फॉर द पोजिशन ऑफ, आप कौन सा पोजीशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ पे वो देना होगा। फर्स्ट जो है मैनेजर पोस्ट, सेकंड असिस्टेंट मैनेजर एंड थर्ड जो है सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको क्राइटेरिया देना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम जो है यहाँ पर आपको देना। ध्यान रहे, आपको लास्ट नेम जो कि है यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है, तो आप गलती से यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम नहीं देंगे, पढ़ आपको जहाँ जो है आपको वहाँ आपको सही से आपको देना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ पे देना होगा। देन आपको जेंडर जो है आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस जो है आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस जो है आपको यहाँ पे फुल जो है यहाँ पे देना होगा, फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका सिटी, आपका स्टेट यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो है आपको यहाँ पे देना होगा। इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस जो है आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर, उसके मोबाइल नंबर वो देना होगा। उसके बाद आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपको ये देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 12 पास करके भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहां पे डिग्री जो है आपको यहां पे सिलेक्ट करना, आप कौन सा डिग्री के लिए यहां पे आपका पास है आप दे सकते हैं। आप यहां पे अब वो डिग्री जो है आप यहां पे सिलेक्ट करके देख सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट कम्प्लीटेड, अगर है तो आप यहाँ पर वो भी दे सकते। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है आप दे सकते। उसके बाद आपका अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है आप वो भी दे सकते, अगर नहीं है आप तभी नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्रेशर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लेवल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है यहाँ पे आपको देना होगा। प्रेफर्ड सिटी एंड पोजीशन पोस्टिंग, तो आप कौन सा सिटी या पोस्ट के लिए यहाँ पर प्रेफर्ड करते हो आप यहाँ पर वो देना होगा। उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट असाइनमेंट आपको यहाँ पे वो लिख के देना होगा। उसके बाद लिखा हुआ है हैव यू बीन इंटरव्यू अर्लियर एट NSC, आपकी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आप
इंटरव्यू दिया हुआ है एनएससी के लिए, आपको यहाँ पे कौन सा पोजीशन के लिए दिया है, रिजल्ट क्या है, आपको वो देना होगा। अगर नहीं दिया है आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद आपका सीवी जो है आपको यहाँ पे और देना होगा, सीवी सबमिट कर दे के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। सबमिट कर देने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा उसके हो जाएगा। इस उसके बाद आपको क्या करना होगा, कुछ दिन वेट करना होगा, उसके बाद कंपनी के तरफ से आपको कॉल आएगा फॉर द इंटरव्यू एंड देन यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू। तो आपको उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा अच्छे से प्रिपेयर होके। उसके बाद अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका ये जॉब जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, लास्ट शेयर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।